Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ananya Walia. My channel name is One Girl Her Journey and Merry Christmas. So this video is about Christmas makeup that you can do. So basically this is the makeup that you're gonna see jo ki main bataungi ki maine kaise kiya. So yeah, let's get started. Okay, so for doing the makeup सबसे पहले हमें आई बेस करना है और मैं बाल पीछे कर लूँ. चेहरे का बेस नहीं करना पूरे क्योंकि आई मेकअप जब हैवी होता है तो आई से मेकअप कैन फॉल डाउन. पहले हम प्राइमर लगा रहे हैं. एज यू ऑल नो आई यूज दिस इन कलर प्राइमर. देन कमिंग ऑन टू द बेस आई यूज दिस डोरमा कलर बेस. दिस इज ऑरेंज बेस बेसिकली. तो इसे भी हम मैं अपनी आई के ऊपर लगाऊंगी. ऑल्सो आप लोग को अगर जानना है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ सो यू कैन सिंपली चेक आउट माय अर्लियर वीडियोस. आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस लाइक मेकअप हॉल वीडियो इन विच आई हैव शोन ऑल द मेकअप स्टफ दैट यू कैन यूज एंड विच आई यूज पर्सनली. ओके, सो आफ्टर द करेक्शन फ्रॉम ऑरेंज बेस आई यूज दिस मेकअप स्टूडियो बेस. ओके, नाउ वील गेट ऑन टू सम बेकिंग. इसके ऊपर अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट और मे बी यू कैन अप्लाई लूज पाउडर और फेस पाउडर वट एवर. सो आई यूज दिस माई शिवाना कलर पैलेट फ्रॉम विच आई अप्लाई द कॉम्पैक्ट. सो नाउ दैट वी आर डन विद द बेस ऑफ आईज अब हम मेन आई मेकअप पे आते हैं. मैं अपना प्रो आर्ट का PE23 ब्रश यूज कर रही हूँ आई मेकअप की ब्लेंडिंग के लिए. सबसे पहले मैं अपने सिवाना कलर पैलेट में से आई यूज दिस पर्टिकुलर कलर. ये बहुत ही लाइटिश ब्राउन सॉर्ट ऑफ कलर है. आई एम गोना मिक्स इट विद दिस वन बिकॉज ये भी काफी लाइट ब्राउन है. सो ये फॉर बेसिकली द बेस ऑफ द आईज. और ये हम पूरे आईलेट पे करेंगे और आईलेट के ऊपर भी इनफैक्ट ताकि इसके ऊपर कोई भी कलर अब हम चढ़ाए तो वो अच्छे से चढ़ जाए. इसके बाद मैं यूज करूंगी अपनी स्विस ब्यूटी आई शैडो पैलेट जिसमें से आई एम गोना यूज दिस कलर विच इज काइंड ऑफ लाइट पिंकिश. एंड इसे मैं अप्लाई करूंगी बिल्कुल अपनी क्रीज पे, नॉट ऑन द आईलिड एट ऑल, सिर्फ क्रीज पे. एंड क्रीज पे अप्लाई करने के बाद मैं क्रीज से ही इसे ब्लेंड करते हुए ऊपर को लेके जाऊंगी. हमें ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, नीचे नहीं, ताकि इसका लाइट पिंक रिफ्लेक्शन आए ऊपर. सो इफ यू कैन सी द रिफ्लेक्शन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग. ओके, सो ये लगाने के बाद आई एम गोना कम बैक टू माय सिवाना कलर पैलेट और इसमें से मैं लगाऊंगी डार्क ब्राउन कलर, ये वाला. बट ये डार्क ब्राउन कलर मैं सिर्फ आईलेट पे लगाऊंगी, नॉट अबव द क्रीज. एंड आई एम गोना ब्लेंड इट वेल. इस तरीके से ब्लेंड करना है इसे कि ये क्रीज पे आने के बाद मर्ज हो जाए ऊपर के कलर से. सो इतना करने के बाद अब मैं अपना मैक का ब्लैक आई शेडो यूज करूंगी. एंड मैं इसे बिल्कुल अपने आईलिड के आगे वाले पोर्शन में और एकदम सेंटर में सिर्फ ब्लैक आई शेडो डालूंगी. और हमें थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि बस थोड़ा सा डार्कर इफेक्ट आ जाए एंड ज़्यादा नहीं हमें डालना है इसे. सो एज यू कैन सी मैं सिर्फ और सिर्फ ये आगे और बीच में ब्लेंड कर रही हूँ बस थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देने के लिए डार्क से लाइट तक का. अगर आप मेरी तरह आईलाइनर पर्सन नहीं हो और आप आईलाइनर लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करते सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैक जिससे आपके आईज में हल्का हल्का स्मोक आ जाता है और डेफिनेशन मिलता है व्हेन यू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ब्लैक ऑन द आईलिड. सो दैट इज़ वाई. सो इस लुक में भी अगर आप चाहें तो आईलाइनर लगा सकते हैं बट सिंस आई डोंट लाइक टू पुट आईलाइनर तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ. इफ़ यू कैन सी द रिफ्लेक्शन इज कमिंग ब्लैक से बीच में ब्राउन एंड देन पिंक. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू. नाउ वट वी आर गोना डू इज ब्लैक को हम नीचे भी लेंगे बट बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है हमें, सिर्फ आउटर कॉर्नर तक
बिलो वाटर लाइन के रहना है। और इसके साथ में मैं मिक्स कर रही हूँ सेम डार्क ब्राउन कलर जो मैंने आईलेट पे लगाया था, ताकि नीचे से भी हमें थोड़ी डेफिनेशन मिले। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेकअप, जो कि काफ़ी डिफरेंट भी है, एंड दैट इज अप्लाइंग ग्लिटर, जो कि मैं सिर्फ इनर कॉर्नर्स में लगाने वाली हूँ। एंड उसके लिए आई यूज दिस टू वे जेल, दिस इज मेकअप स्टूडियो टू वे जेल। ओके, सो टू वे जेल यूज होता है बेसिकली व्हेन यू हैव टू स्टिक ऑन सम ग्लिटर और यू हैव टू डू कट क्रीज मेकअप ऑन योर आईज। सो मैं ये टू वे जेल को सिर्फ और सिर्फ अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, एज यू कैन सी, ज्यादा नहीं, सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे। आफ्टर दैट आई हैव टू हरी ताकि ये सूखे ना। मैं ये अपना ब्रश यूज कर रही हूँ जिसका कुछ इस तरीके का है आगे का पॉइंट। देन आई एम गोना यूज दिस ग्लिटर, ग्रे ग्लिटर दैट आई हैव। आप कोई और कलर भी यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। ओके, सो वेरी केयरफुली आई एम गोना टेक दिस ग्लिटर एंड अप्लाई इट हियर, जितने पोर्शन में आई वॉन्टेड द ग्लिटर टू बी, एंड हियर एज वेल। एंड या दैट्स इट। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि वैसे ग्लिटर एड ऑन कर देने से कितना ज्यादा चेंज हो गया मेकअप। देन कमिंग ऑन टू द बेस्ट पार्ट, मस्कारा, एंड आई एम गोना यूज दिस मेबिलीन सेंसेशनल आईलैश मस्कारा। अब हम सिंपली अपनी अंडर आई को क्लीन करेंगे काफी अच्छे से, क्योंकि हमें अब फुल बेस मेकअप करना है, इसी वजह से नहीं किया था फुल फेस का बेस, क्योंकि मेकअप नीचे गिरता है आंखों से जब हैवी आई मेकअप हो तो। सो सिंपली अब आपको क्लीन कर लेना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग योर फेस का बेस। सो फॉर दैट आई एम गोना यूज द सेम प्राइमर, क्योंकि अब हमें पूरे फेस पे प्राइमर लगाना है। नाउ अगेन डर्मा का ऑरेंज बेस फॉर द एरियाज जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि रिक्वायर्ड है कलर करेक्शन की। सो अब मैं अपना मेकअप स्टूडियो का बस बेस लगाऊंगी। सो नाउ दैट द बेस इज डन, आई एम गोना अप्लाई विद दिस ब्रश, आई एम गोना कॉन्टूर माय फेस फ्रॉम दिस मिनाओ कॉन्ट्योर क्रीम पैलेट। पूरा कॉन्ट्योर अच्छे से दिखे एंड टू रिमूव द एक्स्ट्रा पार्ट आई एम गोना यूज दिस रेवलॉन कंसीलर दैट आई हैव, एंड सिर्फ इतने पोर्शन में ही आई एम गोना अप्लाई इट जस्ट टू रिमूव द एक्स्ट्रा कॉन्ट्योर। सो नाउ आफ्टर दिस From my same Sivana color palette, I'm gonna apply blush. After blush, I have to wear brows. And for brows, I use this Miss Clear brow pencil. अब हम end में सिर्फ highlighting करेंगे, सिर्फ वही बाकी रह गई है, बाकी सब हो गया है। And of course the lipstick is also left, but पहले हम highlighting करेंगे and I use this Revolution Pro highlighter which is really very nice. Applying highlighter on my cheekbone and bridge of my nose, cupid bow and some on the chin, थोड़ा सा forehead पे भी because I like it that way. I'm gonna apply this Lakme 925 lipstick जिसका ये shade है, this is really very nice shade, I love it, love 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 it. So yeah, finally the whole makeup is done and you can see how gorgeous the makeup looks. So basically Christmas pe aap पार्टी मेकअप के लिए भी ऐसा मेकअप कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ ग्लिटर, एंड अगर आपको पार्टी मेकअप नहीं चाहिए हो तो आप ये ग्लिटर ना अप्लाई करें, अदरवाइज ऑल्सो इट विल बी वेरी डिफरेंट। सो दिस इज़ द होल लुक, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आया तो डू लेट मी नो
take a screenshot of this. Put this screenshot on your Instagram story. Tag me. My Instagram handle is onegirlherjourney. And mujhe tag karke bataiye ki aapko ye video kaisa laga. And even if you tried out this look, and I'll repost, reshare that story. I'll see you soon with another video. Till then, subscribe to my channel, hit the bell button, comment down below, share this video with your friends, and I'll see you soon. Bye.